हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज अपन करने जा रहे हैं सभी चैप्टर नंबर 10 के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। ओके, आज का अपना क्वेश्चन क्या है कि एक कार किसी कगार से गिर रही है। सपोज दैट यहाँ से गिर रही है और कितने सेकंड्स के अंदर 0.5 सेकंड में धरती पर आकर, और यहाँ पर परिकलन की सरलता के लिए जी की वैल्यू, जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या ज्ञात करना है अपन को कि धरती पर टकराते समय कार की चाल क्या होगी, यहाँ पर इसकी चाल क्या है। दूसरा, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या है। थर्ड, धरती से कगार की ऊंचाई क्या है। अब ये जो अपने पास एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो स्वतंत्र रूप से गिरते हुए यहाँ से कुछ छोड़ दी, मान लेते हैं छोड़ने पर ये किस त्वरण के अधीन गति करेगी, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगी। और गुरुत्वीय त्वरण भी कैसा, एक समान रहेगा, क्या रहेगा, एक समान। और एक समान त्वरीय गति के लिए अपन कौन सा समीकरण लगाएंगे, गति के समीकरण को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो मान लेते हैं इसका इस पॉइंट ए से कहाँ तक, बिंदु बी पर, ठीक है। तो इसका प्रारंभिक वेग यू कितना है, जीरो, क्या है, जीरो। अपन को क्या ज्ञात करना है, वी ज्ञात करना है। दूसरा, अपन को समय टोटल दे रखा है 0.5 सेकंड, और जी की वैल्यू अपन को दे रखी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहां पर पहुंचने पर इसकी चाल क्या होगी, तो अपन को v ज्ञात करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v बराबर u प्लस at। अब a की जगह यहाँ पे क्या आएगा, g, g भी कैसा, पॉजिटिव नीचे की ओर आए, तो v बराबर u प्लस gt। ओके, तो v बराबर u 0 प्लस g 10 × 0.5, तो v कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर वेग कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड स्क्वायर नहीं, 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो पहला क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, 0.5 सेकंड के दौरान इसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल, अब औसत चाल के लिए अपने पास एवरेज। अब यहां पे इसका वेग जीरो था, यहां पर कितना होगा, 5, कितना होगा, 5। तो मैं इसका प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2 औसत वेग आ जाएगा। तो औसत वेग बराबर 0 प्लस 5 अपॉन 2 = 2.5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा पता है कि धरती से कगार की ऊंचाई क्या है। ऊंचाई का मतलब जितनी दूरी तय करेगी गति के दौरान वही ऊंचाई। ऊंचाई बराबर h, अपन इक्वेशन सेकंड लगाएंगे कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s की जगह अपन ले लेते हैं h, और a बराबर क्या है, g, ये और u जीरो है, u क्या है, जीरो। तो यहां से हो जाएगा h बराबर 1/2 gt स्क्वायर। तो यहां से h बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 g 10, ये 0.5 × 0.5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, h = 2.5/2, ये कट जाएगा, 5 × 5 = 25, 2.5/2 = लगभग 1.25, 1.25 मीटर, कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर। तो इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें कि एक वस्तु ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाती है, कैसे। अब अपने पास वस्तु कैसे फेंकी जा रही है, ऊपर की ओर, ठीक है, कितनी, 10 मीटर। ठीक है, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, 10 मीटर, मतलब यहां पे इसका वेग क्या हो गया, जीरो। ओके, किस वेग से, तो यू ज्ञात करना है, और दूसरा ये समय ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? समय। ओके, तो यहां पे अपन देखें इसको, करेक्ट क्वेश्चन को। ओके चलिए, अब आपको क्या ज्ञात करना है? ये समय दे रखा है, ये दूरी दे रखी है, व्यू ज्ञात करना है। और यहां पे ऊपर की दिशा में तो ए बराबर माइनस का जी रहेगा, कितना रहेगा? माइनस का जी, ठीक है। विपरीत दिशा में तो अपन थर्ड इक्वेशन से देखें कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है, तो ए बराबर तो माइनस जी, वी क्या है? जीरो। तो यहां से देखें कि वी जीरो बराबर यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, तो u स्क्वायर बराबर 2gs, तो u बराबर कितना हो जाएगा? अंडरूट ऑफ 2g। s की वैल्यू कितनी दे रही है? s की वैल्यू कितनी? s की वैल्यू अपन को देखें यहां पे, चलो कि u बराबर अंडरूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 8 10, तो ये लगभग अपन पास कितना आएगा? 10। 98.2 कितना हो जाएगा? 196 कितना होता? 14 का, तो 14 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा? 14 मीटर प्रति सेकंड इस वेग से अपने पास ऊपर। अब वस्तु द्वारा अधिकतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय, ये अपने पास पहले इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। पहला इक्वेशन क्या है कि v बराबर यू प्लस माइनस का जी टी आएगा, तो v जीरो है, तो u बराबर जी टी, तो t बराबर u अपॉन जी, तो t बराबर 14 अपॉन g की वैल्यू 9.8, तो t बराबर 140 अपॉन 9.8 समथिंग कुछ आएगा। ओके, तो ऐसे अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन और देखें। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि चांदी का अपेक्षित घनत्व, और आप यहां से जानते हैं कि अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व मतलब चांदी का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व, ये अपन जानते हैं। अब यहां पे दे रखा ये अपेक्षित घनत्व इतना, पानी का घनत्व ये दे रखा है ऐसा ही मात्रक है चांदी का, तो चांदी का घनत्व बराबर क्या होगा? अपेक्षित घनत्व इंटू पानी का घनत्व, तो चांदी का घनत्व कितना हो जाएगा? अपेक्षित घनत्व अपन को 10.8 और ये 10 की पावर 3, तो यहां से चांदी का घनत्व हो जाएगा 10,800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो हो जाएगा 10,800। अब देखें अपने पास, तो हमेशा 10 की पावर 3 लिखो या 1000, ओके ये चीज आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19.6 मीटर ऊंची मीनार से, सपोज करें ये मीनार है, वो यहां से पृथ्वी तल से कितनी है? 19.6 मीटर। पृथ्वी पत्थर छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग v अपन को फाइंड आउट करना है। अब अंतिम वेग v ज्ञात करने के लिए ये कैसा है? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करेगा, और यहाँ पे एक समान त्वरीय गति मानते हुए अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अब v ज्ञात करना है प्रारंभिक वेग इसका, प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो, अर्थात u तो क्या होगा? जीरो। और तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग v ज्ञात करना है, और मीटर ऊंचाई s दे रखा है अपन को 19.6 मीटर। तो अपन गति के तीसरे, गति के थर्ड इक्वेशन से आप जानते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो वी स्क्वायर बराबर जीरो या प्लस टू जी एस,
v बराबर अंडर रूट ऑफ 2gs, देन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gs 2 इनटू g, g की वैल्यू अपने पास कितने 9.8 और h की वैल्यू 19.6, तो यहां से वेग आ जाएगा किसमें, कुछ मीटर प्रति सेकंड के अंदर, आप ज्ञात कर लेना। ओके चलिए, तो ये अपने पास ये भी कितना हो जाए 98, ऐसे ज्ञात करें तो ये कितना हो जाए 19.6 स्क्वायर, तो ये लग 19.6 ही आएगा क्योंकि इसका गुणनफल भी 19.6 होता है, 19.6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हो गई। अब ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है कि 50 ग्राम के किसी कितना द्रव्यमान दे रखा है, एम इज इक्वल टू 50 ग्राम और आयतन V इज इक्वल टू 20 cm³। यदि पानी का घनत्व रो वाटर दे रखा है 1 g/cm³। अब पदार्थ का अपन घनत्व देखें, पदार्थ का घनत्व कितना हो जाएगा, रो बराबर m अपॉन V और ये हो जाएगा m 50/20, तो लगभग कितना हो जाएगा 2.5 g/cm³। अब यहां पे देखना तो क्या पदार्थ पानी के अंदर तैरेगा या नहीं तैरेगा। अब अपन ने ये चीज अपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उत्प्लावकता के अंदर देखा कि अधिक घनत्व की वस्तु है वो डूबती है और कम घनत्व की वस्तु क्या करती है, तैरती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि यहां पे रो ऑफ वाटर है वो कम किससे है, रो ऑफ मैटर से, किससे मैटर से। अब पदार्थ अपन पानी के अंदर, जैसे ये पानी है, पानी के अंदर ये 2.5 ग्राम वाला अपन ने पदार्थ डाला, तो ये क्या करेगा, डूबेगा, क्या करेगा, डूबेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पदार्थ का घनत्व है वो पानी के घनत्व से क्या है, अधिक है, और हमेशा कम घनत्व की वस्तु तैरती है और अधिक घनत्व की वस्तु क्या करती है, डूबती है। ठीक है, तो ये चीज अपने पास ध्यान रखें। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पता है पानी तैरेगा, पानी के अंदर वस्तु तैरेगी, पदार्थ के तरल पदार्थ के अंदर पानी वस्तु तैरेगी या नहीं तैरेगी, ऐसे क्वेश्चन भी अपने पास आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर अपन ने ग्रेविटेशन के बारे में फुली डिस्क्राइब बात की, अपेक्षिक घनत्व, उत्प्लावकता, तरल पदार्थ में दाब, प्रणोद, गति के समीकरणों के बारे में बात की। अब आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। ओके, तो आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा, एक बार आप रिविजन करें, बार बार देखें, फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। किताब को भी साथ साथ में देखते रहें, किताब NCERT की बुक। ओके, तो उससे आपको कंसेप्ट क्या होते हैं क्लियर होते जाएंगे, इतनी फिजिक्स हार्ड नहीं है। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ओके चलें, धन्यवाद।